तो देखें दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हम जो है आ, सभी ट्रिक्नोमेटिक फंक्शंस के ग्राफ को प्लॉट कराना सीखेंगे इसमें मैंने जो है पहले एक्स एक्सिस के लेबल्स जो हैं वो जो यूज़ करने हैं नाइन्टी एटी 270 टू सेवेंटी वग़ैरह ये मैंने एक एरे में डालवा ली हैं कैरेक्टर एरे में इनको मैं आगे यूज़ करने जा रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं एक इसके बाद जो है मैंने एक इंटरफेस प्रोवाइड किया है जो कि यूज़र को ऑप्शंस देगा कि एंटर वन टू थ्री फोर जो भी ऑप्शन है वो दें कौन से वाला कर्व प्लॉट करना चाहते हैं और उसको चॉइस वाले वेरिएबल में मैंने स्कैनर करा लिया है अगर चॉइस की वैल्यू चार आ जाती है तो उस केस में हम एग्ज़िट कर जाएंगे उसके बाद मैंने फ्लश करके मेमरी को और फिर मैंने पूछा है कि आप वो कैरेक्टर बताएं जो आप वहाँ पर छपवाना चाहते हैं मतलब प्लॉटिंग में हम कैरेक्टर एक पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर से ही प्लॉट कराएंगे फिर इसके बाद मैंने इनड ग्राफ कर दिया अब मैंने ग्राफिक्स ऑन करी है और देखें मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया एम यू एल टी जो कि मल्टीप्लायर होगा ताकि हमारा कर्व थोड़ा बड़ा दिखे येलो कलर को यूज़ कर लिया था और अब एक फॉर लूप में मैंने जीरो से लेके जितनी एक्स वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है उसके लिए ये करा और चॉइस को देखते हुए पता लगाया कि आपको साइन कर्व प्लॉट करना है कॉस कर्व या टैन कर्व एंगल जो है मैंने वो कन्वर्टेड रखा है रेडियंस में उसको आप पहला वाला वीडियो देख सकते हैं देख इसके लिए कि कन्वर्जन कैसे चल रहा है फिर वाई वैल्यू जो है वो मैंने गेट मैक्स वाई बाई टू माइनस वाई कर दिया ताकि क्योंकि मैं सेंटर में ये लाइन प्लॉट करना चाहता हूँ और ये लाइन के फंक्शन का इस्तेमाल करके मैंने ग्राफ की लाइन बनाई और आउट टेक्स जो मैंने करा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर इससे अगली लाइन में जो आ रहा है वो मैंने वहाँ पर एस टी आर जो हमने अभी स्ट्रिंग रीड करा था कि किस कैरेक्टर की फॉर्म में आप वो दिखाना चाहते हैं उसको आप पहले जो है एस टी आर पे हम हाँ, आप उसको जो है आउट टैक्स कर रहे हो और उसके बाद आप जितने भी एंगल्स हैं उन एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने जो है ये देखिए लाइन हो गया फिर आउट टेक्स्ट करा दिया एक्स वाई पर जो एक्स वाई वैल्यू है वहाँ पर आपका जो वो करेक्टर जो आपने चूज़ किया था प्लॉट कराने कर के लिए वो दिखेगा ये मैंने जो है नाइन्टी वन एट्टी टू सेवेंटी और थ्री सिक्सटी वगैरह के लिए आउट टेक्स्ट करवा दिया है वहाँ पर लेबल दिखाई देगा आपको और एरे के वैल्यूज़ ले ली हैं एस टी डी ए वन ए टू ए थ्री वगैरह जो है ए सेवन तक जो है एट तक सॉरी ये आप प्लॉट करने में लेंगे और उसके बाद आप एंगल को तीन डिग्री और बढ़ा देंगे और थ्री सिक्सटी डिग्री के बीच में उसको जो है मॉडुलस ले लेंगे ले उसका ताकि वो दिखाई देने लगे अभी यहाँ देखें प्रोग्राम रन करते हैं तो कैसा दिख रहा है ये इंटरफेस है जिसमें मैंने अपना पहला चॉइस भरा वन साइन कर्व दिखाना है प्लस का निशान लगाया और देखें सारा कुछ प्लस के हिसाब से दिखने लगा इसके बाद दोबारा रन करता हूँ मैं कॉस्क फंक्शन के लिए रन करूँगा और इसमें मैंने एक और कैरेक्टर लगाया इस बार मैंने माइनस ले लिया है आप देखें माइनस के कैरेक्टर के साथ आपका कर्व प्लॉट हुआ है और अगर मैं इसी को टैन के लिए बनाऊंगा तो इसी तरह टेन के लिए भी ये काम कर सकते हैं चॉइस थी तीन के साथ तो आशा करता हूँ आपको दोस्तों ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा और अब आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है अगर आप, आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ धन्यवाद